हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माइने ड्रीम्स एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं नाउ ब्रिंग टू द टॉपिक आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश वर्कशीट जैसा कि आप जा, जानते हैं कि अभी हमारी क्लास जो चल रही है वो इंग्लिश वर्कशीट की चल रही है और हम आ गए हैं उसी वर्कशीट की यूनिट नंबर नाइन पे ओके, सो यूनिट नंबर नाइन का जो ए पार्ट था जिसमें छोटी सी एक पोम थी डोंट टेल उसमें पोवम क्या थी डोंट टेल, तो उसी को आज हम स्टार्ट करने वाले उसी की वर्कशीट करने वाले हैं उसी की वर्कशीट में हम करने वाले हैं टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन यू नो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम करते हैं चैप्टर रिलेटेड पोम रिलेटेड स्टोरी रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है हम हर एक वो एक्सरसाइज करते हैं ओके okay? सो so, आज उसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा रिकैप हमने अपनी फोम में क्या पढ़ा था सो देर वॉज अ चाइल्ड एक छोटा सा बच्चा था जो क्या सोच रहा था कि कुछ ऐसे वर्क हैं जो मेरे पेरेंट्स मुझे करने ही नहीं देते राइट right? ऐसे ही बोल रहा था उसकी ये शिकायत ही ना कि कुछ ऐसे काम हैं जो मेरे पेरेंट्स मुझे करने ही नहीं देते दे डोंट अलाउ मी टू डू सम टाइप ऑफ वर्क ऐसे आपकी भी कुछ शिकायत रहती है मम्मा पापा से राइट right? कि मम्मा पापा वाई डोंट यू अलाउ मी टू डू दिस थिंग वाई डोंट यू अलाउ मी टू डू दिस थिंग तो क्या बोलते हैं अभी आप छोटे हो यू आर अ स्मॉल किड सो अभी आप ये काम नहीं कर सकते राइट right? सो so, वो क्या बोलता है छोटा बच्चा पोम में वो बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सारे काम करके दिखाऊंगा इफ आई गेट अ चांस मैं सारे काम इन्हें करके दिखाऊंगा एंड मैं दिखता छोटा हूँ बट फ्रॉम इन साइड आवर्स जाइंट मैं बहुत बड़ा हूँ राइट right? तो एक बहुत छोटी सी स्वीट सी पोम थी बिल्कुल आपके जैसे एक छोटा सा बच्चा था जो इस बारे में बात कर रहा था इस पोम में ओके सो नाउ वी विल गो

So what you have to do here is, आपको कुछ लाइन्स यहाँ पे दी हुई हैं, ओके okay? यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स दी हुई हैं और इन लाइन्स को आपको रीड करना है, okay? करने के नीचे कुछ है को करके उन्हें आंसर करना है आंसर कहाँ है इन्ही लाइन्स में छुपा हुआ है ओके सो दिस इज वेरी इजी एक्सरसाइज तो आप कंफ्यूज ना हो स्टार्ट करते हैं पहले हम साथ में रीड करेंगे ओके सो रीड विथ मी सो आई पेशेंटली वेट सो आई पेशेंटली वेट

this is i so i patiently wait so i कौन बोल रहा है ये बात i patiently wait किसने बोली थी फॉर्म में ये बात चाइल्ड ने सो इसका आंसर क्या होगा अ चाइल्ड i किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे चाइल्ड के लिए सिंपल राइट चलो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन right? <coughs> है व्हाट इज i patiently वेटिंग फॉर So, जो चाइल्ड है आय मतलब हमें पता है कि है यानी चाइल्ड के लिए बोल रहे हैं सो so, किसके लिए पेशेंटली पेशेंटली आराम से अपना पेशेंस ना खो के वो वेट कर रहा है किस चीज के लिए टू ग्रो अप राइट सो so, टू ग्रो है? टू ग्रो अप बड़े होने का वेट कर रहा है ना वो सो so, टू ग्रो अप ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो so, हमने पढ़ा था ना लाइन में कि I will show all them. मैं उनको बताऊंगा शो देम किसके लिए था यस फॉर पेरेंट्स फॉर पेरेंट्स ठीक है पी ए आर एन टी एफ फॉर पेरेंट्स ओके सो विद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स वेरी सिंपल व्हाट यू हैव टू डू हियर इज जस्ट रीड द सेंटेंस व्हाट यू हैव टू डू हियर आपको सेंटेंस को रीड करना है मेरे साथ साथ रीड करेंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द सेंटेंस इज राइट और द सेंटेंस इज रॉन्ग इफ द सेंटेंस इज राइट व्हाट यू विल राइट यू विल राइट टी फॉर ट्रू और अगर सेंटेंस गलत हुआ तो क्या लिखोगे एफ फॉल्स क्लियर ओके सो नाउ द चाइल्ड इज नॉट अलाउड टू डू टू थिंग्स क्या वहां पे दो ही चीजें के बारे में बोला था टू थिंग्स ओनली टू थिंग्स नहीं देर आर द चाइल्ड आर नॉट अलाउड टू डू सम थिंग्स राइट कुछ चीजें करने को मना करते हैं हम बच्चों को राइट right? So, ये सेंटेंस है रॉन्ग क्योंकि यहां पे दो चीजें बोली है ऐसा कुछ नहीं लिखा था हमारे पोम में ठीक है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स ठीक है चलो फॉल्स है तो हम इसको रेड से लिखते हैं ठीक है क्योंकि गलत स्टेटमेंट है तो हम इसको कलर आइडेंटिफिकेशन भी दे देते हैं हम इसे रेड से लिख देते हैं क्लियर ओके नाउ नेक्स्ट सेंटेंस रीड विथ मी द चाइल्ड इज गिवेन द रीजन दैट ही इज नॉट बिग इनफ यस क्या चाइल्ड को रीजन दिया गया था ये कि वो अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो सारे काम कर सके यस yes, यही तो रीजन दिया था दिस स्टेटमेंट इज ट्रू तो हम लिखेंगे घोस्ट क्या चाइल्ड को ऐसा लगता था कि वो घोस्ट है घोस्ट मतलब वो एक भूत है क्या ऐसा लगता था नो दिस इज ऑल्सो फॉल्स तो हम क्या लिखेंगे इसमें फॉल्स ठीक है नेक्स्ट

जो चाइल्ड है जो बच्चा है वो पेशेंटली वेट कर रहा था कि वो कब बड़ा होगा राइट right? ये तो है आप सभी वेट करते हो ना मैं कब बड़ा होऊंगा मैं कब नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा कब मैं बड़े होके ये करूंगा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो करूंगा यू वेट फॉर टू तो ग्रोन अप right? राइट अभी बड़े होने का वेट करते हो ना तो वैसे ही ये भी चाइल्ड वेट कर रहा था पेशेंटली टू ग्रो अप ओके सो ये सेंटेंस भी राइट है तो हम लिखते हैं टी फॉर ट्रू द चाइल्ड फील्स दैट इफ गिवन अ चांस ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स चाइल्ड को ऐसा लगता था दैट अगर उसको एक चांस देंगे तो बहुत सारी चीजें करके दिखाएगा नो yes नो no? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है है लगता था था तो ये भी ट्रू द द चाइल्ड चाइल्ड नॉट टू टू डू डू क्या बच्चा कुछ नहीं करना चाहता no, तो तो मेनी लिखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंसेस सो पे हाफ ऑफ सेंटेंसेस जो है ना डिवाइड कर दिए कॉलम ए में आपका हाफ सेंटेंस है कॉलम बी में आपका हाफ सेंटेंस है दोनों को आपको मैच करके फुल सेंटेंस बनाना है ठीक है सो so, चलो स्टार्ट करते हैं द चाइल्ड द चाइल्ड द चाइल्ड का क्या बोलेंगे हम द चाइल्ड वॉज नॉट परमिटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स सो द चाइल्ड वॉज नॉट परमिटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यानी कि ये सेंटेंस एक बन गया इसका क्या मतलब निकल गया जो चाइल्ड था उसको अलाउ नहीं था नॉट परमिटेड यानी अलाउ नहीं करा गया था कि वो बहुत सारी चीजें कर सके ओके okay? सो so ये एक सेंटेंस बन गया हमारा नेक्स्ट दे सेट दैट क्या कहते हैं वो दे सेट दैट ही वॉज स्मॉल

तो ये इससे मैच हो जाएगा कैसे मैच हो जाएगा ही वॉन्टेड दूसरों को दिखाना चाहता था कि अगर उसको एक चांस मिलेगा तो बहुत सारी चीजें करके दिखाएगा तो ही टू शो अदर्स दैट ही ही कुड डू थिंग्स इफ वॉज गिवन अ चांस तो ये हो गया एक और सेंटेंस नेक्स्ट है ही थॉट दैट क्या सोच रहा था वो ही वॉज ज्वाइंट क्या सोचता था वो कि वो ही वॉज ज्वाइंट फ्रॉम इनसाइड तो ये हो गया एक और सेंटेंस ओके सो so, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और इट इज विजिबल टू यू अगर हम इसको ठीक से मैच कर देते हैं एक बार द चाइल वॉज नॉट परमिटेड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स ओके दे सेट ही वॉज स्मॉल ठीक है ही वेटेड टू बी एन अडल्ट ही टू शो अदर्स एंड ही थॉट ही वॉज

चाइल्ड को क्यू नहीं था ऐसा अलाउड की वो ढेर सारी चीजें कर सके क्यों नहीं था सिंपल क्वेश्चन बिकॉज ही वॉज स्मॉल बिकॉज ही वॉज स्मॉल राइट सो कैसे लिखोगे इसका आंसर द child was small that's why that's why he was not allowed to do

आपको लर्न करना यहाँ तक फिर ही वॉज नॉट अलाउड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स पूरा क्वेश्चन में से ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डज नो बडी नो नो बडी नोज अबाउट द चाइल्ड क्या किसी को नहीं पता था चाइल्ड ऐसा क्या सोचता था कि जो किसी को नहीं पता है कि ही वॉज ज्वाइंट फ्रॉम इन साइड राइट ऐसा उस चाइल्ड सोचता था इसलिए वो सोचता था कि किसी को ये पता ही नहीं है दैट आई वॉज ज्वाइंट फ्रॉम इन ओके सो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप नो बडी नोज़, नो बडी नोस दैट चाइल्ड वॉज जाइंट फ्रम

चांस वॉट व चाइल्ड डू इफ ही चांस अगर चाइल्ड को एक चांस देते तो वो क्या करता ही शो अदर्स ही कैन डू लॉड ऑफ थिंग्स राइट अगर उसको एक चांस मिलेगा तो वो सबको क्या दिखाएगा हमने पोम में पढ़ा था ना कि अगर उसको एक चांस मिलेगा तो वो करके दिखाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है वह दिखाएगा कि ही कैन डू एवरी थिंग राइट so let's write how you will write the chi the child <coughs> no you will write like this if the child was given a chance he will show them he will show them that he could do if he could do a lot of things that he could do a lot of things ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है बट सिंपल आंसर है इफ द चाइल्ड वॉज गिविन अ चांस ही विल शो दैम दैट ही कुड डू दैट ये हमने डू क्यों नहीं लिखा दैट ही कुड डू ही विल शो दैम दैट ही कुड डू अ लॉट ऑफ ऑफ थिंग्स ठीक है है आंसर कंप्लीट वॉट वुड द चाइल्ड डू इफ ही अ अ चांस चांस तो क्या है इफ द चाइल्ड ही शो दैट कुड डू लॉट ऑफ थिंग्स क्लियर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड द स्पीकर इज यू नो स्पीकर किसे कहते हैं हम जो पुअ में जिसके बारे में बोल रहा हो पोम, जो कोई पोम बोल रहा हो वो होता है स्पीकर तो पोम में कौन बोल रहा था चाइल्ड बोल रहा था तो यहाँ पे चाइल्ड की एज पूछी गई है तो हम सब ये लिखेंगे, द चाइल्ड वॉज स्मॉल ठीक है द चाइल्ड वॉज स्मॉल क्योंकि वो बहुत छोटा सा बच्चा था राइट ओके नेक्स्ट हु आर दे एंड देम इन द पोम पूरी पोव में दे एंड देम किसके बारे में बोला गया था सो दे एंड देम आर पेरेंट्स आर पेरेंट्स इन द दोम कौन थे देम एंड दे पूरी पोम में देम एंड दे किसके लिए बोला गया था पेरेंट्स के लिए बोला गया था आई विल शो देम दे आर दे आर दे आर नॉट मी टू डू एवरी थिंग सब किसके लिए बोला गया था पेरेंट्स के लिए तो दे एंड देम किसके लिए था पेरेंट्स के लिए था इन द पोम क्लियर सो क्वेश्चन आंसर इज कम्प्लीटेड एंड विद कंप्लीशन वी हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड दर्कशीट फॉर यूनिट 9 ए पार्ट डोंट टेल So, यहाँ पे हमने वर्कशीट का टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इसके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसी यूनिट के ए पार्ट के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हम करेंगे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके सो so, मिलेंगे आप ही के फेवरेट चैनल मैंग्रेन पे मैं करूंगी आपका इंतजार तब तक के लिए ख्याल रखें एंड स्टे यू